जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम इस वक्त चीटी रोड पर सफ़र करते हुए तरक्की एक जगह है उससे थोड़ा सा आगे निकल के ये ट्रेन का जो ट्रैक है इसका एक बड़ा फेमस ब्रिज है यहाँ पे जो कि अंग्रेज़ों के दौर का है। हम इसको इस लोकेशन को एक्सप्लोर करने आए हैं और बड़ी अच्छी टोपोग्राफी है, बहुत मज़े का जो है ना वो ये इन्वायरमेंट है। रावलपिंडी लाहौर जीटी रोड पर बरास्ता सोहावा सफर करते हुए हम अक्सर ट्रेन के इस ब्रिज को देखते थे और हमेशा से ख्वाहिश थी कि इस पर एक वीडियो शूट तो होना चाहिए। ये ट्रेन का ट्रैक है जो कि जीटी रोड के साथ साथ चलता है, तो हम इसको एक्सप्लोर करने आए हैं। यहाँ पे कुछ जो है वो फोटोग्राफी करने का मूड है और यस ऑफ कोर्स ट्रेन एक्शन हम इसको कवर करेंगे और इंशाल्लाह आप लोग एंजॉय करेंगे। ये ज़िंदगी से बज़ाहिर एक बेजार शख्स जो है वो यहाँ पे आके ऐसे बैठ सकता है, और आपने अक्सर जो है वो ख़ुदकुशी के मनाज़र इस तरह से देखे होंगे कि लोग अपने आप को जो है वो पटरियों पे लिटा देते हैं और फिर ट्रेन का इंतज़ार करते हैं और फिर लंबे इंतज़ार के बाद फिर उनको पता चलता है कि ट्रेन तो किसी पिछले स्टेशन पे ही उलट गई थी। ट्रेन की पटरी का ये जो ट्रैक है ये बहुत सॉलिड आयरन का बना होता है। जब हम बचपन में देखा करते थे ट्रेन के ट्रैक को और ट्रेन को जो है वो गुजरते हुए, तो हम अक्सर जो है वो ये ख्याल करते थे कि आखिर ट्रेन जो है वो इस ट्रैक के ऊपर से उलटती क्यों नहीं है। लेकिन दरअसल चूँकि उसका अपना एक वेट होता है और उसके साथ साथ ये जो लोड बेयरिंग है, ठीक है, ये इसको जो है सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो ट्रेन इसके ऊपर जो है इस ट्रैक के ऊपर जो है वो कायम रहती है अपने वेट की वजह से। और ये जो है वो एक फिज़िक्स का बड़ा फेमस रूल है। हाँ जी, फेमस ज़ाहिर है फेमस ही रूल होगा क्योंकि हर चीज़ जो है वो फिज़िक्स की वजह से है। ठीक है, मैं कोई यहाँ पे कोई फिज़िक्स की क्लास लेने तो नहीं बैठा हुआ, लेकिन ये है कि आपको इस ट्रैक से ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाना है। ये एक बड़ा खूबसूरत कर्व है और चूँकि ये एक ब्रिज है जिसके ऊपर से जो है ट्रेन गुजरती है, बड़ा एंटीक किस्म का ब्रिज है, बड़ा खूबसूरत ब्रिज है। और जब आप इस शॉट को देखेंगे, ये कॉप्टर शॉट को, तो आप इंजॉय करेंगे। सो नाउ इट्स ऑल सेट, हमारा कॉप्टर रेडी है और हम अब ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। इधर से आनी है या पता नहीं इधर से आनी है, तो देखते हैं कि ट्रेन जो है वो कब जो है वो जलवा फ्रोज होती है और कब हम इसका जो है वो शॉट बना पाते हैं। जी, आप देख सकते हैं अली को, ये इस पौधे की जो है वो टहनी शाख तोड़ने की कोशिश कर रहा है और इनके बकौल ये मसवाक जो है ना ये कोई बड़ी स्पेशल मसवाक है जो ये बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ये देखें, ओहो हो, यानी कि इस जंगल में आके इस दरख्त की मसवाक करना भी जो है ना वो एक इंटरटेनमेंट है। जैसे आप देख सकते हैं कि बड़े जो है वो बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये मसवाक की जा रही है। और ये वो दरख्त है जिसको अली के बकौल इसको टाली कहते हैं। ठीक है, ये वही टाली है जिसके बारे में कहा गया ना, टाली दे थल्ले बह के करिए प्यार दिए गल्ला, लेकिन यहाँ तो मसवाक हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये सारी जो है ना वो शायराना बातें हैं, हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। पहले दिन हमारी बदकिस्मती ये रही कि लोकेशन पर पहुँचने से पहले ही दो ट्रेनें गुजर चुकी थी, जबकि तीसरी ब्रिज पर उस वक्त नमूदार हुई जबकि हम मायूस होकर अपना इक्विपमेंट और सब कुछ पैक कर चुके थे। फिर भी अली ने मसवाक फेंक कर बमुश्किल एक रफ सा शॉट बनाया और इससे पहले कि कॉप्टर असेंबल होता ट्रेन साहिबा रुखसत हो चुकी थी, लिहाजा हमने दूसरे दिन भी इसी जगह आने की ठानी। दूसरे दिन हमने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की और इस ब्रिज के बिल्कुल साथ वाली पहाड़ी पर एक निस्बतन ऊंची जगह पर हमने अपनी ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाई। जहां से अप और डाउन दोनों तरफ से आने वाली ट्रेनें हमें मीलों दूर से नजर आ सकती थी।
रोड साइड से ऊपर चढ़ के हम यहाँ पे पहुँचे हैं। ये एक ऐसे ही जो है ना वो क्लिफ है जहाँ से आप पूरा ये एरिया जो है वो देख सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये सोहावा क्रॉस करके जब हम डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो ये एक बहुत खूबसूरत सा कर्व है जहाँ पे जीटी रोड और ये जो ट्रेन का ट्रैक है ये आपस में जो है वो एक बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन बनाते हैं। और हम अब इस क्लिफ के ऊपर आए हैं ताकि एक तो ये कि हमें ट्रेन की जो उसकी जो है वो अराइवल है उसका आइडिया हो सके, और इसके साथ साथ ये भी कि हमारे पास मार्जिन हो कि हम इस शॉट को जो है वो ले सकें। और जैसे आप देख सकते हैं कि ये पोथवार का बहुत खूबसूरत लैंडस्केप है मेरे पीछे, और इसमें जो है वो लश ग्रीन है, दूर दूर तक आपको हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। और ये वो ब्रिज है बेसिकली जिसको हम जो है वो फिल्म करना चाह रहे हैं। इस दफ़ा ना सिर्फ ट्रेन को कैप्चर करने के लिए हम बिल्कुल मुस्तैद और चाक चौबंद थे, बल्कि ट्रेन की टाइमिंग्स को भी हमने मद्देनज़र रखा हुआ था। और यूं जैसे ही ट्रेन ने ज़रा सी झलक दिखाई, हमारे कॉप्टर ने उसी फुर्ती से अपनी पोजीशन संभाल ली, और यूं एक बेहतरीन एंट्री लेने में हम कामयाब हो गए। इस कर्व ट्रैक पर फराटे भरती हुई ट्रेन किसी बल खाती हुई नागन की मानिंद लग रही थी। इस दौरान कुछ मुकामी लोगों ने हमें ज्वाइन किया तो सोचा उनके साथ गपशप ही हो जाए। ये मोहम्मद रईस भाई हमारे साथ हैं, ये इसी गांव इन्होंने इसका नाम बताया तरक्की जोड़, ये से इनका ताल्लुक है। और हमने थोड़ी सी जो है वो इन्फॉर्मेशन ली इस इलाके के बारे में इनसे। मकड़ाला स्टेशन जो करीब तरीन स्टेशन है जो इस ट्रेन के ट्रैक पर आता है, मकड़ाला स्टेशन उसको कहते हैं। अच्छा, इन्होंने ये बताया कि ये जो जब ये इनके ज़ाहिर आबाव अजदाद से ये सीना बसीना ये कहानी इन तक पहुंची, वो ये है कि ये जो ट्रेन का ट्रैक है ये सोहावा की तरफ जो है वो स्ट्रेट जो प्लान था अंग्रेज़ों का वो इसको स्ट्रेट सोहावा की तरफ बनाने का था। लेकिन यहाँ पे ये बताया जाता है कि कुछ बुज़ुर्ग हस्ती थे जिनका जो है वो आस्थाना था, तो वो उसकी उस ट्रेन के यानी कि उनके जो कंस्ट्रक्शन प्लान था वो उसके रास्ते में आ रहा था, और उसकी वजह से जो है वो ये बताते हैं कि उसमें उनको जो है ना वो डिस्टर्बेंस होती थी उन बुज़ुर्ग को, तो उनकी कोई करामात इस तरह की थी जिसकी वजह से वो ट्रैक तो बिछ गया, लेकिन उसकी वजह से जो है ना वो ट्रेन को कोई ना कोई हादसा पेश आ जाता था। तो वहाँ के जो उल्मा थे जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि असल में रीज़न है वो ये आस्ताना है, तो बेहतर ये है कि आप अपने इस प्लान को थोड़ा सा जो है वो डाइवर्ट कर लें। तो उस डाइवर्जन के तौर पे फिर इन्होंने ये जो ट्रैक है जिसको अभी हमने कैप्चर किया इसको जो है वो फिर इन्होंने प्लान किया, और ये इस जीटी रोड के साथ साथ ये काला पुल है जिसके ऊपर से जो है ये कर्व बन के गुजरता है, और ये बकराला छोटा सा रेलवे स्टेशन है वहाँ से होता हुआ ये सोहावा की तरफ जो है ना वो चला जाता है। तो ये है इसके पीछे एक स्टोरी, और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और इंशाल्लाह हम इस तरह की और स्टोरीज़ को जो है वो फॉलो करते रहेंगे और इंशाल्लाह आपको जो है वो इंटरटेन भी करेंगे। सेकेंड शॉट ज़्यादा फिल्मी स्टाइल का था। हम सब ने इस लोकेशन, इस माहौल और इस सीनरी को बहुत एंजॉय किया। यकीनन ये एक बड़ा मज़े का एडवेंचर था।